Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी आपके विंटर वेकेशन स्टार्ट है, तो चिल्ड्रन आपके बोर्ड एमपी बोर्ड की साइट से आपको प्रादर्श प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 80 मार्क्स का है और बाकी के 20 मार्क्स जो होंगे वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल के होंगे और टाइम इसका रहेगा 3 आवर्स। आप इसमें से पूरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस करने या ज़रूरी है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो 32 मार्क्स के आएंगे, इसके साथ साथ उस क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर आएंगे और 6 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं मतलब 10 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो उनकी वर्ड लिमिट दी गई है 30 वर्ड्स और उसमें 2 अंक रहेंगे, 2 मार्क्स का वो रहेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके, 4 क्वेश्चन आएंगे और उनकी वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स। इसके बाद आपके 20 से लेकर के 23 तक के मतलब कि 4 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे 4 मार्क्स के, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और वह भी आपको करना पड़ेंगे 120 वर्ड्स लिमिट के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा उसमें वो आपको मैप आएगा, मैप कुछ आपको चीज़ें दी गई होंगी, कुछ प्लेसेस या कोई भी जैसे कोल माइंस हैं या कोई भी इस तरह से चीज़ें दे दी गई होंगी और आपको उनको उसमें मेंशन करना होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर बताऊँगी। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, इनमें से कौन सा जो आयरन ओर जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है, रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का, नॉन रिन्यूएबल। नाउ बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ओवर इरिगेशन। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप कौन सी, हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में पढ़ा है, साथ ही हमने कैश क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा है। तो इसमें से जो खरीफ क्रॉप है वो है राइस, मिलेट एंड कॉटन। तो इसमें पूछा गया है कि रबी क्रॉप कौन सी है, तो ग्राम चना जो है वो रबी क्रॉप है। नाउ फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है वह लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल में यूज करती है। नाउ ई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अवर कंट्री। तो चिल्ड्रन हमारे देश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोडवेज है, क्योंकि हमारी बुक में जो है वो रोडवेज दिया गया है, उसे बनाना आसान होता है और इसके साथ साथ वह चीप रेट में बन जाता है, जबकि रेलवेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हमारी बुक में जो है वो रोडवेज दिया गया है, लेकिन यदि हम वैसे देखें तो हर एक व्यक्ति की पहुंच में रेलवेज जो होता है वह हमारा जो है मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसमें अभी आप रेलवेज में टिक कर लीजिए और फिर बुक से उसे कंफर्म कीजिए, क्योंकि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है उसमें रोडवेज दिया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसको मैं बाद में और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सर मैं आप रोडवेज में टिक करिए, और यदि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता है लैंड का तो रेलवेज में टिक करिए, क्योंकि बुक में आपका रोडवेज दिया गया है। यदि हम इंटरनेट की सहायता से गूगल में देखते हैं तो हमें रेलवेज आंसर मिलता है, लेकिन बुक में आपका रोडवेज दिया गया है तो मैं आपको रोडवेज में टिक लगवा रही हूँ। इसके बाद है
ई एफ विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। तो इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो है कर्नाटका। कर्नाटका जो है आयरन ओर का 24% प्रोड्यूस करता है, वहीं उड़ीसा जो है वो 22% प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो कर्नाटका। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स को हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ब्लैंक इज गुजरात्स नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस इन इंडिया। तो कौन सा है बच्चों, ये आप अच्छे से जानते ही हैं कि गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है वह नेचुरल हैबिटेट है लायंस के लिए। तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और इसी में आप ऐड कर देंगे एंड सेंचुरी। इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे। नाउ बी नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड इन द बैटल इन। अब बोनापार्ट जो थे वो किस बैटल में हार गए थे, तो वो बेल्जियम में। तो ये बी वाले में आपको यहाँ पर भरना है बेल्जियम। बेल्जियम, और यहाँ लड़ाई कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी एट वाटरलू। वाटरलू बेल्जियम में वाटरलू एक स्थान है, वहाँ पर यह लड़ाई हुई थी और वो हार गए थे। सी डू और डाई स्लोगन वॉज गिवन बाय। डू और डाई स्लोगन किसने दिया, ये तो आप जानते ही हैं कि डू और डाई स्लोगन जो दिया वो हमारे बापू जी ने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। देन ब्लैंक रूल इन इंडिया, हमारे देश में किस प्रकार का रूल है। तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रूल है। तो यहाँ डी में आपको भरना है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके नाउ फिफ्थ, लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोज अपार्थेड पॉलिसी। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड पॉलिसी के विरोध में थे वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। और आप इसे कह सकते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वह विरोध में थी अपार्थेड पॉलिसी के, अपोज्ड कर रही थी उसका। तो लीडर पूछा गया है तो नेल्सन मंडेला, और यदि पार्टी पूछी जाएगी तो आपको भरना है उसमें, यहाँ लीडर पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भरना है नेल्सन मंडेला, और यदि पार्टी पूछी जाएगी तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यदि पार्टी पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर भरेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस तरह से आप इसे। ओके नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन हमारे देश में। सॉरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जो दुनिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में। इसके बाद है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन नेपाल इन 2006 में। नेपाल में स्टार्ट हो रहा था और वो डेमोक्रेसी के लिए किया गया था, तो आपको लिखना है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी मूवमेंट।
इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे। ओके तो चिल्ड्रन यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश होते हैं। अब हम देखते हैं वन वर्ड आंसर। तो चलिए वन वर्ड आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। किस कंट्री से रिलेटेड थे नेपोलियन बोनापार्ट? ये थे आपके फ्रांस से रिलेटेड। तो आप इसमें लिखेंगे फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओके ये फ्रेंच मिलिट्री में जनरल की पोस्ट पर थे। ओके नाउ बी राइट द फुल नेम ऑफ IMF। IMF का फुल नेम क्या है? तो IMF जो है वो उसका फुल नेम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है बी का आंसर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी ये इसमें लगभग 190 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं और यह किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए और पावर्टी को डिक्रीज करने के लिए ये लोग इन पूरी कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है हु वॉज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन थे? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मार्टिन लूथर कौन थे? रिलीजियस रिफॉर्मर। रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर। नाउ डी इन विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया। किस सेंचुरी में हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस आई? तो देखिए ईयर था 1556। किस ईयर में आई? 1556। और 1556 में आई, 1556 में आने से यह कौन सी सेंचुरी कहलाई? सिक्सटींथ सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी कहलाई है? सिक्सटींथ सेंचुरी। ओके इसके बाद है ई ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट। किस रिवर के ऊपर हीराकुंड डैम है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि हीराकुंड जो डैम है वो महानदी रिवर के ऊपर है। महानदी। ओके नेक्स्ट विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट। कौन सा कोस्ट जो गुजरात कोस्ट में कौन सा पोर्ट लोकेट है? तो यहाँ पर आपको मालूम है कांडला। इसके बाद जी व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1946 में लाया गया। इसके तहत कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए कि यदि वो किसी भी चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लें या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें जहाँ पर भी वो कंज्यूमर हैं वहाँ पर यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो वो इस एक्ट का यूज़ करके अपने लिए न्याय पा सकते हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो चिल्ड्रन ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं। द वेजिटेशन विच इज़ नॉट इंडियन इन ओरिजन इज कॉल्ड इंडिजीनियस वेजिटेशन। ऐसा वेजिटेशन जो कि भारत में ओरिजिन नहीं हुआ है वह इंडिजीनियस वेजिटेशन कहलाता है। तो ये बात है फॉल्स। ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो हमारे भारत में ही जो प्रजातियां होती हैं वेजिटेशन की वह इंडिजीनियस वेजिटेशन कहलाती हैं। हाँ लेकिन जो बाहर से ला कर के हमारे देश में लगाई जाती हैं वो इंडिजीनियस वेजिटेशन नहीं कहलाती हैं। तो जो इंडिजीनियस वेजिटेशन है वो इंडियन होते हैं ओरिजिन से। वो क्या कहाँ के होते हैं? इंडियन होते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉट इंडियन तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके नाउ बी सिन्हाला लैंग्वेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ ट्रू।
आपको मालूम है सिन्हाला और तमिल दो लैंग्वेज हैं जो कि वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पर हमारी बुक में सिन्हाला दिया गया है और यही ट्रू है। नाउ सी, वन पार्टी सिस्टम इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया। हमारे देश में क्या वन पार्टी सिस्टम है? नहीं, हमारे देश में तो बहुत सारी पार्टीज़ वाला सिस्टम है, तो ये फॉल्स। नाउ डी, कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1990। कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो 1990 में स्टार्ट हुई, तो बेटा नहीं, कोलिजन गवर्नमेंट जो है सबसे पहले मोरारजी देसाई की लीडरशिप में 1977 में स्टार्ट हुई, पर वो दो साल ही चली, वो चली 1979 तक, और जो सक्सेसफुल कोलिएशन गवर्नमेंट रही वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चली, ये भी बीजेपी के ही थी, और मोरारजी देसाई की भी बीजेपी ही की थी, और वह पूरे 5 साल के लिए चली थी, तो ये जो है 1990 में नहीं चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी की चली थी वो 1999 से 2004 तक, और जो कोलिएशन गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के लीडरशिप में चली थी वो 1977 में चली थी, तो ये आपका हो गया फॉल्स। ओके, फिर इसके बाद है ई, बार्चन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट इन टू पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड नहीं है, बहुत सारी में डिवाइडेड है, लेकिन हमारी जो बुक है, बुक में हमारे में दो ही दिया गया है, इसलिए यह ट्रू कहलाएगा, क्योंकि बार्चन्स में उस समय में दो ही बांटा गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लेकिन आज के समय में काफ़ी सारे में डिवाइडेड हैं, तो हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे और यहाँ पर ट्रू डालेंगे। फिर है एफ, माइग्रेशन फ्रॉम सिटी टू विलेज लीड्स द टू अर्बनाइजेशन। अब आप बताइए, सिटी से विलेज की ओर जाना क्या अर्बनाइजेशन है? नहीं, दिस इज़ फॉल्स। ओके, तो इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीटेड। अब बात आती है मैच द फॉलोइंग, तो चलिए हम मैचिंग करते हैं। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या होता है? रूल ऑफ मैनी, बहुत सारे लोगों का रूल उसमें होता है, तो फर्स्ट का कौन सा आ जाएगा? ये वाला ए, फर्स्ट, ये हो गया आपका रूल ऑफ मैनी डेमोक्रेसी में। ओके, फिर है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के थे, तो नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, इस तरह से आपको इसे मैच करना है। इसके बाद है फुली लिटरेट स्टेट। फुली लिटरेट स्टेट आपको मालूम ही है कौन सा है, वो है केरला। फुली लिटरेट स्टेट जो है वो केरला है, केरला। देन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कितने सेक्टर हैं इकोनॉमी के? 3 सेक्टर्स हैं, ये आपको मालूम ही है। इसके बाद है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म क्या है मनी का? करेंसी। ओके, और फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है कंप्यूटर से मैच करना है। तो चिल्ड्रन, इस प्रकार से आपका मैच द कॉलम भी कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको पूरे ऑप्शनल यहाँ पर करवा दिए हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स में आप देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, और राइट एनी टू सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ये क्वेश्चन के आंसर आप दे लेंगे, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो चिल्ड्रन, इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहें।